say hi to my YouTube fans. Why are you wearing so good clothes today? It's only summer. घर पे कुछ पकाया नहीं था तो मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा मैं ईफा को बुला लूं कि हम बाहर जाके कुछ साथ खा लें. तो आज का व्लॉग बाहर है फिर. I guess. ईफा. Now they see me all the time. So today you will make the vlog for my YouTube fans because a guy commented in my video, brother, please bring your Italian girlfriend. I said I don't have an Italian girlfriend, but I have a friend who's from Germany. So yeah, but I'm like Italian, Spain or Turkey, whatever you want. Okay, this is too much for my YouTube anyway. Yeah, really, they say it in the counties. Really, believe me. Yeah. So what are we gonna eat today? Ah, heute ist Sonntag. Today is Sonntag. Today is Sunday. Shut up. Today is Sunday, I told you. What? You came to my home and you don't have money. Do you know that I am a poor guy? You know that I make money on your phone? Ifa? That's why I don't have money. I have 15 euros and you want me to spend it on your food? Now YouTube people will think I'm so poor and I take money from a girl. What am I gonna do when I'm out of 15 euros? Tell this to the world. Live on the street. तो ईफा को जाना था ब्रदर्स, एक टर्किश शॉप है मगर वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ ग्रिल वगैरह नहीं मिलता है. इंजन और मैंने जाना था ईफा विस हाइस असिस्टेंट हॉल स्कोर क्रेन और यहाँ ग्रिल है तो ग्रिल मिलती है. वाओ, यू लुक सो गुड इन माय कैमरा. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू माय ऑडियंस? My audience. Stay strong. Stay strong. बहुत बड़ी मुश्किलों से हमने ये रेस्टोरेंट ढूंढा. पता है जर्मन्स का मसला क्या होता है? अगर ये आपसे पूछे ना कि अगर ये कुछ करें ना तो कोई मसला नहीं है, अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो बस एंड ख़त्म दुनिया. कि तुमने करी कैसे? सेम. एक दिन क्या हुआ, मैं घर का टीवी सिर्फ 5 मिनट के लिए खुला छोड़ के चला गया. वापस मैं इसके साथ आया घर, इसने बोला तुमने घर का टीवी खुला हुआ छोड़ दिया, तुम्हें पता है कितना बिल आता है, ये होता है वो होता है. एक दिन हम दोपहर में गए और ये मेरे उस दिन घर पे थी और सुबह हम लोग निकले, ये टीवी देख रही थी और हम वापस आए रात में और टीवी चल रहा था. मैंने इसकी शक्ल देखी, इसने बोला आई एम सॉरी, कोई बात नहीं. मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, अब तो कोई बात नहीं है. मैंने कुछ भी नहीं कहा. तो इसलिए रेस्टोरेंट भी चूज़ करते टाइम ना मैं 10 दफ़ा सोचा कि भाई ये ऐसे रेस्टोरेंट लेकर जाना जाकर खाना असली में अच्छा हो, वरना तो गए. तो बोले कि तुमने करा कैसे है चूज, तुम्हारी चॉइस थी, तुम ही खाओ सर. तो जो ईफा ने मंगवाया पता नहीं, आलू गोश्त और चावल, और जो मैंने मंगवाया, तो आज मैंने अच्छा मंगवाया. थैंक यू शीन. ओके, तो अब मैं खाना खाने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ बाकी. ओके, मुझे बाकी जर्मन्स का तो नहीं पता. What are you doing? Yeah, man, back. I'm recording the vlog. मुझे बाकी जर्मन्स का तो नहीं पता मगर इसने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया और मेरी ज़मीन गंदी कर रही है. अच्छा, मुझे बाकी जर्मन्स का तो नहीं पता मगर एक बंदा है हमेशा जिसको मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ और वो फारिगी होती है, वो ये है ईफा. और इसको बाहर जाने का इतना शौक है, इतना शौक है, कुछ हद नहीं. गर्मियाँ आई नहीं कि सारे जर्मन बाहर निकले नहीं, पता नहीं क्यों इतना शौक होता है. मुझे नफरत है घर से बाहर निकलने से, ऑलमोस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद घर से बाहर निकलना, मगर इन लोग का बस नहीं चलता, हर वक्त ही बाहर रहे. ये सुबह एक दोस्त से मिलकर आई, अब मेरे से मिल रही है और अब एक और से मिलने जाएगी और फिर रात के 11 बजे घर जाएगी, सो जाएगी और फिर सुबह अगले दिन फिर से यही करेगी. मुझे कभी कभी समझ नहीं आता जर्मन लोगों को. खैर, फिर भी ऐसे दोस्तों की वजह से हमारा टाइम पास हो जाता है कभी कभी. तो फिर मैं दोस्ती निभाता हूँ. तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना. पीस आउट.